से आंसू आए और प्रभु बोले आपकी लीला आप ही जाने, हम आपकी लीला में या आपके कार्य में दखल देना हमारी मूर्खता है, हम ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए। और यही कार्य है आप आने से पहले या आपके कार्य में आप बहुत कहते हैं गुरु जी ऐसा करो वैसा करो, गुरु जी को ऐसा करो वैसा करो, गुरु जी आप कुछ करो कहते हैं ना आपकी रक्षा जरूर होगी। लेकिन आप जब तक गुरु जी को इंस्ट्रक्शन देते हैं डायरेक्शन देते हैं गुरु जी ऐसा करो ना आप इधर से जाओ, गुरु जी आप ये रंग लगाओ, गुरु जी तो तुम्हें हाँ कह देते हैं। जैसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन हाँ तो कह देते हैं लेकिन वो जानते हैं कि आगे क्या होने वाला और क्या करना है, किस लिए क्या करने से आगे चलता है। इस प्रकार हमारे जीवन में समस्याएं तो आती है, हम समस्याओं से घिरे हुए हैं, हमारी समस्याओं में हम लिप्त हैं, लेकिन फिर भी गुरु जानता है कि हमें किस दिन कैसे ले जाना है, क्योंकि हम हमारे में अनुभव नहीं है। हम सिर्फ न्याय धर्म अपने ऊपर जब आता है तो धर्म की बात नहीं करते, समझो अपने अपने किसी से पत्थर मार लिया, किसी को लग गया और उसके सर से खून निकला तो हम कहेंगे गुरु जी मैं उसको मारना बोल के नहीं मारा, ऐसे पत्थर डाल रहा था उसको लग गया खून निकला, उसमें मेरा क्या दोष है। अरे तूने ही मारा है ना पाप, तो अगर वही दूसरा मारता है तो हम उसका न्याय की बात करेंगे, उसको इतना अक्कल नहीं था क्या, देख के मारना था ना वो मेरे को ही मारा। यानी अपने ऊपर का धर्म अलग है, दूसरों को बोलने वाला धर्म अलग है, ये हम इस तरह चलते हैं। लेकिन गुरु को पता है कि उसको क्या करना है, किस तरह से काम करना है। तो ऐसे हमारे जीवन में जो पाप पुण्य चलते हुए आ रहे होते हुए आ रहे हम उसका दोष किसी के ऊपर डाल कर जीते ये नहीं, हमें पहले अपने को अपने आप को सिद्ध करना है, अपने आप को लेकर आगे चलना है कि हमें क्या करना है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, कल मैंने उनसे मांगा कि आप हमें कुछ ऐसा उपाय बताओ कि हम साधना करते समय, हम तो पापी हैं हम पवित्र नहीं हो सकते, हम साधना करने बैठते हैं ना तब से हमारी कीर्ति शुरू कर जाती है, जब जाएं तो या तो स्नान के लिए पानी नहीं होता, पानी के सबसे शुरू हो जाता है, फिर दूसरा बच्चे रोना है बच्चा रोने लगता है, सारा पति बैठा है तो पत्नी को, पत्नी बैठी तो पति को, देर तक ही देने देती है, तुम साधना में कब करे तो एक साधना से सिद्ध नहीं हुई सारे क्या कितने दिन से कब है तो सब छोड़ दो। उस दिन से साधना में जाते जाते उसका मूड खराब, वो साधना करते समय फिर भी जबरदस्ती साधना में बैठ गया वो बात अलग, ये होती होती साधना में बैठ गया गुरु जी साधना में बैठा लड़की याद आ रही है, पत्नी याद आ रही है, ऑफिस आज याद आ रहा है, ध्यान नहीं लग रहा है। अरे तो ये करना ही नहीं है, तू बैठा है तो बैठ के गुरु को देखते हुए बैठना, नहीं बैठेगा वो उस साधना में बैठे रहता है। तो मैं बहुत बार कह चुका हूँ साधना बैठने रहता है तो ऑफिस याद आता है, लड़की याद आती है, समस्याएं याद आती है, जो ऋण हुआ है तो ऋण, कर्जा हुआ है तो कर्जा, ये सारी चीज़ें याद आने लगती है साधना में बैठे जब भी, क्योंकि खाली बैठा होता है वो गुरु के ऊपर ध्यान नहीं रखेगा, इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखेगा। बाहर कोविड आया तो कहीं मेरे पास तक तो नहीं आएगा, गुरु जी एक बार फोन करके देखेंगे गुरु जी बाहर कोविड आ रहा है मैं क्या करूँ, मेरे को नहीं आता ऐसा देखो ना, वो तब साधना करते ही फोन उठा के बोल लेता, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है हमारे ध्यान में हमारे को ध्यान बटवा दे रहते हैं। इस प्रकार हम ध्यान में ये तो सारी चीज़ें हैं, उसके बाद अगर बाहर कोई अपने घर में साधना करे बहुत जोर से लाउड स्पीकर लगा देगा, कोई ऐसा ऐसे गाने लगाएगा जिसका कोई अपने ध्यान में अपना ध्यान भटकते रहेगा, कभी अपने घर में कोई रिश्तेदार आ जाना, कोई बच्चा रोना, कोई इस प्रकार हम बहुत सारे अड़चनों से हम अपना जीवन अपनी साधना में बैठते हैं। गलती से साधना में बैठ भी गए हमारा ध्यान देवताओं पर नहीं लगता, गलती से ध्यान भी लग गया हम पूर्ण माना नहीं, जी क्या हुआ आप बैठे बैठे आप बोले थे 51 मारा, बस 20 मारा से घुटना दर्द शुरू हो गया, सर दर्द शुरू हो गया, आंख नहीं दे रही, गुरु जी वो बच्चा रो रहा था, ये सारी चीज़ें मुझे एक पाठ पढ़ाना शुरू कर दी मेरे को ही, क्यों ये आप देख लो ना 51 मारा हो 30 मारा है, अब गुरु क्या करना, 20 मारा है गुरु करना चाहिए उसके बारे में, क्योंकि उसने शिष्य स्वीकार किया है ना तो उसको करना पड़ता है। ये जो सारी चीज़ें हैं हमारे जीवन में इस अड़चन को निर्माण करते साधना को पूर्ण होने नहीं देती। अब सच बात बताऊं तो मैं भी अभी जैसा अभी का अभी के साथ बैठ के खाता हूं, अभी के साथ रहता हूं, अभी के साथ सब करता हूं, कल वहां उतना घूम के आने के बाद भी मैं साधना के लिए बैठा रात के 10 बजे तक, 11 बजे खाना खाया और 12 बजे फिर साधना में बैठा 3:28 बजे तक, तो और फिर सुबह उठा और आपके साथ आज तक अभी बैठा हूं, 3 दिन से यही चल रहा है। मैं भी तो अगर मान लो जाओ तो शायद मेरे एज वाले यहां इस सारे चीज़ में 2-3 लोग 4 लोगों की सेवा ज़्यादा नहीं होगी, बाकी सब मेरे से छोटे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहता हूँ साधना में मेरे से सब पीछे पड़े रहे, पीछे ही है, बैठे लगे तो आप सारे कहानियाँ सुनाना शुरू कर देंगे, मुझे घुटना दर्द दे रहा है, पाँव दर्द दे रहा है, फोन आया है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, ये सारी चीज़ें सुनाएंगे। हम कब साधना ठीक तरीके से करते हैं, कब ठीक तरीके से करने की एक चेष्टा करते हैं, हम ये हमारे से नहीं हो रहा है, तब मैं ये बात भी उनसे कही कि ये बात हमारे में ये अड़चन है, हम कलयुग में हैं,
हमारे को बस की आवाज आती है, ट्रेन की आवाज आती है, प्लेन की आवाज आती है, बीवी की आवाज आती है, बच्चे की आवाज आती है, कुत्ते की आवाज आती है, कुत्ता पालते हैं, ये सारी चीजें हमारे पीछे पड़े हैं। प्रभु आप ऐसा कुछ करो कि हमारा ध्यान एक जगह लग जाए और हमारी पुकार आप तक पहुंचे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आप कुछ ऐसा मार्ग बताओ। तो उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें हमारे में है जोशी, लेकिन ये लोग सब लोग कुछ कर नहीं, हमारे पास न्यास है, न्यास से उस ऋषि की उस देवता की स्थापना हमारे में हो जाने के बाद क्या होता है, न्यास का जैसे शिलान्यास, शिला का न्यास करना है, स्थापना करना, उस देवता की उस ऋषि की स्थापना होने के बाद हमारा ध्यान कभी नहीं बढ़ता, लेकिन हम न्यास नहीं करेंगे ना, न्यास आता ही नहीं, गलती से एक जगह हाथ लगाने के दूसरी जगह लगा देंगे, और हाथ लगाने से पहले सोचेंगे हमारे में वो न्यास करने की कला नहीं, ध्यान करने की भी कला नहीं। तो हम ऐसी स्थिति में हम किस प्रकार उस ध्यान को या उस ऋषि के तत्व को प्राप्त करेंगे जो विश्वामित्र प्रणीत मंत्र है, जो ब्रह्मा का प्रणीत मंत्र है, जो शिवजी का प्रणीत मंत्र है, दुर्गा का, देवी का, वशिष्ठ महर्षि का, त्रिसप्त महर्षियों का, और दूसरे से महान नाथ संप्रदाय के ऋषियों का, वो लोग उतने निष्ठावान थे, अपने आप को जमीन में गाड़ लेकर भी जिंदा थे, हमारे में वो सारी शक्तियाँ नहीं, तब हमें क्या करना है। तब मैं सिद्धाश्रम के योगियों से पूछा कि आप बताओ ऐसी स्थिति में हम वहाँ बैठे हैं, तो पहले तो वो एक बात गुरुजी ने भी कही थी और मैं भी कह रहा हूँ, गुरुजी जब वहाँ से सिद्धाश्रम से निकल रहे थे तो सारे सिद्धाश्रम के योगियों ने कहा कि तुम सिद्धाश्रम इतना अच्छा छोड़कर तुम क्यों जा रहे हो, संसार में क्यों जा रहे हो। तो गुरुजी का कहना था कि तुम यहाँ सिद्धियाँ सब प्राप्त करके किस लिए कर रहे हो, वहाँ भारत जल रहा है, भारत की लड़कियों को मंदिरों को गिराया जा रहा है, अंग्रेज उनको मार रहे हैं, हमारे देश को लूट लिया गया है, हमारे मंदिर तोड़ दिए गए हैं, हमारे पुस्तकों को जला दिया गया है, हमारे गुरुकुलों को नष्ट कर दिया गया है, हमारे साधु संतों पूजारियों इन सभी को नष्ट कर दिया है, बहुत सारे हिंदुओं को खत्म कर दिया है, आप ये सिद्धियाँ किस लिए हैं। आज 2000 वर्ष प्राप्त आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप कभी भारत में जाकर देखा है कि जिस देवताओं की आप यहाँ आराधना कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं उनका क्या है, उन जनों का क्या है जो जिनकी औरतों को लूट ले रहे हैं, मार ले रहे हैं, जिनके गहने लूट रहे हैं, यहाँ अन्याय हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं। सभी लोग स्तब्ध थे, सभी लोग कुछ नहीं कह रहे थे। तब गुरु जी ने कहा कि मैं यहाँ सिद्धाश्रम से इन सारी विद्याओं को लेकर मैं भारत में जाऊँगा, मैं सन्यासी बनकर नहीं जाऊँगा, क्योंकि लोगों को पता चले केवल सन्यासी, उस समय एक धारणा थी कि केवल सन्यासी दाढ़ी बढ़ाने वाला ही साधना कर सकता है, गृहस्थ लोग साधना नहीं कर सकते क्योंकि वो पापी है। गुरु ने कहा कि मैं गृहस्थ बनकर जाऊंगा, गृहस्थ बनकर बताऊंगा कि गृहस्थ भी साधना कर सकते हैं और वो सिद्ध है। मैं भी आपको बार बार कह रहा हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये कोई सन्यासी नहीं, गृहस्थ है। आपके गणेश भगवान दोनों पत्नियाँ हैं, वेंकटेश्वर भगवान दोनों पत्नियाँ, तीनों चार पत्नियाँ, कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, सब पत्नियों के साथ है, और उन्होंने संसार की अपनी सुख सहते हुए उन्होंने साधनाएं संपन्न की, और महान कह रहा है कृष्ण हो, अर्जुन हो, ये सारे लोग, फिर आप क्यों संन्यास लेकर अकेले की बात करते हो। गुरु जी की एक बात बताने के लिए कि गृहस्थ भी सिद्ध हो सकता है, गृहस्थ ही सभी के दुखों को मिटा सकता है, क्योंकि वो दुख को जानने वाला ही दुख को मिटा सकता है। आप सन्यासी के पास जाओ तो क्या कहेगा, ये सब छोड़ दो, तुम बीवी बच्चों को आओ और साधना में बैठ जाओ। अरे ऐसा तो ना रहा, तो हमारे किस करने की क्या जरूरत है, हम तो गृहस्थ बनकर आना सिद्ध होना चाहते हैं। और गुरु जी ने कहा कि मैं सिद्धाश्रम से जब निकल रहा हूँ तो मैं ये साधनाओं को मैं मेरे गृहस्थ शिष्यों में या गृहस्थों में फैला दूंगा और कहूंगा कि तुम्हारी रक्षा इस साधनाओं से हो सकती है। गुरु जी ने तब पूरे भारत को अच्छी तरह पढ़ा था, क्योंकि यहाँ विधर्मी लोग आ रहे हैं, क्यों यहाँ ये सारी चीजें चल रही है, क्योंकि यहाँ की तपस्या चली गई, यहाँ के गुरु ठीक नहीं है। गुरुओं में एक धारणा आ गई कि मैं दाढ़ी बढ़ाया काशावास डाल दिया कि मैं जो बोला वो आगे का आदमी करेगा, और वो इससे उसको ज्ञान हो ना हो वो कह रहा है और आगे वाला कर रहा है, उससे कुछ हो ही नहीं रहा है। कायाकल्प कहाँ है, पहले कायाकल्प था, आज कायाकल्प कहाँ है, आज कायाकल्प के ज्ञान को कोई जानता ही नहीं। और गुरु जी जब निकल रहे थे तो आखिर में बात ये हुई कि सिद्धाश्रम दादा गुरु स्वामी सच्चिदानंद जी के पास गए और कहा कि ये जो डॉक्टर नारायण तिवारी जो निखिलेश्वरानंद जी के नाम से इतने उच्च कोटि के हुए, जिन्हों दादा गुरु स्वामी सच्चिदानंद जी ने उनके जीवन में 3 ही शिष्यों को दीक्षा दी और उसमें से स्वामी निखिलेश्वरानंद जी थे जो उन समय में एकदम श्रेष्ठ हुए और सिद्धाश्रम का संचालन भी उनको प्रदान किया गया, लेकिन उन सारी उतनी महत्ता को, उतनी शांति को, उतनी श्रेष्ठता को, उतनी सब को छोड़कर स्वामी निखिलेश्वरानंद जी ने डॉक्टर नारायण श्रीमान जी सद्गुरुदेव जी यहाँ गृहस्थों को साधना देने के लिए यहाँ आने की प्रक्रिया कर रहे थे। उतने समय में भी गुरु जी को उस सब लोगों ने सताया गया, क्या कहा कि अगर आप जाते हैं तो वहाँ वो लोगों को सिद्धाश्रम के बारे में जब तक दस महाविद्याओं में 3 महाविद्याएं सिद्ध नहीं करते उनको सिद्धाश्रम आने का परमिशन नहीं, और आप किसी को यहाँ लेके नहीं आएंगे। गुरु जी ने कहा ठीक है। दूसरी बात ये
कि आप सिद्धाश्रम में आपके पास बहुत सारी साधनाएं सिद्धियां हैं, चमत्कारी देवता, आप देवता को एक मिनट में बोलकर प्रत्यक्ष कर सकते हो, आप स्वर्ण सिद्धि कर सकते हो, आप स्वर्णों की वर्षा कर सकते हो, आप तांबे को स्वर्ण में बदल सकते हो, लोहे को स्वर्ण में, ये सारी सिद्धियां आप कोई भी गृहस्थ होने के बाद वहां जाके बताएंगे नहीं, इसका वचन दो। गुरु ने कहा ठीक, डन, दे दिया। तीसरी साधना, तीसरी बात, आप कोई साधना का प्रदर्शन नहीं करेंगे, आप केवल ज्ञान देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। और चौथी बात, आप ये इन सारी चीज़ों को करते समय आप किसी आडंबर रूपी जीवन को नहीं जिएंगे, आप मामूली जिएंगे, जो आप आपके लिए एक पैसा भी मेहनत करके आपको खाना है, एक पैसा भी साधनाओं के मार्ग से आपको कमाना नहीं, साधनाओं के मार्ग से सोने की सृष्टि करके खाना नहीं है, ना किसी लॉटरी को टिकट मालूम है, आपको लॉटरी टिकट का एक मिनट में करोड़ों की लॉटरी लग जाती है, ये इसका भी उपयोग करना नहीं है, ज्योतिषों का उपयोग करना नहीं है, आपको साधारण मनुष्य के भांति जीवन व्यतीत करते हुए जीवन जीना है, तब आपको यहाँ से जाने दिया जाएगा और आप वहाँ साधना कर सकोगे। वहाँ से आने वाले, सिद्धाश्रम से आने वाले सन्यासी और श्रेष्ठ शिष्यों में कुछ ही लोगों का नाम लिया जाता है, जैसे विशुद्धानंद जी है, विजयानंद जी है, स्वामी कृष्णानंद जी है, एक चार पांच लोग ऐसे हैं सिद्धाश्रम जाकर जो गृहस्थ के रूप में आए और इस ज्ञान को उन्होंने बढ़ावा दिया और ये ज्ञान को साधना के मार्ग को उन्होंने बताया और आगे चले, तो उनको भी इतने रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए गुरु जी यहाँ आते समय, और गुरु जी ने उन सभी को मानकर यहाँ आए। अगर आप गुरु पूर्णिमा शिविर हैदराबाद की, हैदराबाद का शिविर देखते हैं, तो उसमें गुरु जी ने एक साधना दी थी जिसमें धूमावती और बगलामुखी को संपुटित करके एक मंत्र दिया था। गुरु जी ने कहा था कि इस मंत्र को सीखने के लिए, इस विद्या को सीखने के लिए मैं एक ऋषि के पास गया। वो ऋषि के पास एक झोपड़े में हिमालय में रहता था, तो उसके पास वो सिद्धि थी, गुरु जी को पता था। गुरु जी गए उसकी झोपड़ी के सामने खड़े हुए, तो पहले तो ऋषि अदृश्य था, दिखा ही नहीं, आखिर इनके खड़े रहने के बाद या दो या तीन दिन के बाद ऋषि दिखा, तो ये जाके नमस्कार करके बोले मैं आपके पास आया हूँ और मुझे पता चला कि आपको सिद्धि है। तो उसने कहा, गुरु ने कहा कि उसने इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ दी कि कोई गाली सुन नहीं सकता, फिर भी गुरु जी खड़े रहे, कहा कि तुम्हारे पास अगर वो विद्या है तो आप मुझे विद्या देंगे, मैं वो लोक कल्याण के लिए विद्या करना चाहता हूँ। गुरु जी नहीं गए और वो कहता है मैं नहीं दूंगा, तुझे जो करना है तो कितने दिन में यहाँ पढ़ा रहे, मैं नहीं दूंगा। और गुरु जी अडट के वहीं खड़े रहे, वो गए ही नहीं वहां से। तीन चार दिन जब देखा तो उस ऋषि ने कहा या उस सिद्ध ने कहा कि ये तो छोड़ने वाला नहीं है। तो उन्होंने एक दिन क्या किया कि उनके सामने आग में वो चिमटा गर्म करते थे, वो चिमटा उठाकर गुरु जी के पेट में मारा। गुरु जी ने मुझे भी बताया, देख जोशी यहाँ चिमटा मारा, आज भी उसका दाग है। वो चिमटा खाने के बाद जा मुझे तुझे सिद्धि दे दिया, मैं वो चिमटा खाने के बाद सिद्धि लेके आया हूँ। और उसने जाते समय मुझे एक बात कही कि तू इस साधना की सिद्धि तू उपयोग नहीं करेगा। गुरु जी ने कहा ठीक है मैं उपयोग नहीं करूंगा, लेकिन एक बात तुम्हें बता देता हूँ, आज सुनो, इस साधना की सिद्धि मैं उपयोग नहीं करूंगा, लेकिन ये साधना जिसको दूंगा वो सिद्ध हो जाएगी तो उपयोग करेंगे।